लेट्स वी स्टार्ट। अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। सपोज मैंने क्लास ली टेस्ट, टेस्ट क्लास के अंदर एक मेथड दिया पब्लिक, देखो मैंने एक एक एरे लिया सपोज इंट एक्स इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज फाइव, हाँ फाइव साइज का मैंने लिया। मैंने पूछा व्हाट इज दिस पार्ट, इस पार्ट को क्या कहते हैं? यस बताओ इसको क्या कहते हैं? एरे डिक्लेरेशन, गुड। इसको क्या कहते हैं? एरे डिक्लेरेशन। एंड दिस पार्ट इसको क्या कहते हैं? एरे क्रिएशन। एरे क्रिएशन, गुड, है ना। ये हमारा एरे क्रिएशन पार्ट है, ये हमारा एरे डिक्लेरेशन पार्ट, ठीक है। अब कुछ रूल्स बनाए गए जब आप एरे क्रिएट करते हो, है ना, तो कुछ रूल स्पेसिफाई किए गए। क्या मैं डिक्लेरेशन के टाइम पे यहाँ पर नंबर असाइन कर सकता हूँ कुछ डिक्लेरेशन के टाइम पे? No, good. और क्रिएशन के टाइम पे नंबर असाइन कर सकता हूं? No. Yes, है ना। क्रिएशन के टाइम पे हमें क्या करना है? नंबर असाइन करना। सपोज मैंने ना तो कोई नंबर असाइन किया एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, जब मैंने एरे क्रिएट किया तो यहां पर मैंने कुछ भी नंबर असाइन नहीं किया, क्या ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा? यस या नो? गुड, है ना। मैंने इसको कंपाइल करा, कंपाइल कराने के लिए लिखते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, एंटर किया, ठीक है। इट विल जनरेट एन एरर, है ना। एरे डायमेंशन मिसिंग, एरे की डायमेंशन तो बताओ कितने डायमेंशन है, है ना। डायमेंशन इन द सेंस आपका साइज कितने साइज का है, आपको एट द टाइम ऑफ क्रिएशन सक्सेसफुली अगर करना है तो आपको साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फर्स्ट रूल, ठीक है। दूसरा, क्या मैं एरे का साइज जीरो डिक्लेयर कर सकता हूं? कैन वी टेक एन एरे ऑफ साइज जीरो? यस, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू थिंक, कर सकते हैं? नहीं, रिप्लाई जरूर किया करो, है ना। दिस इज योर लर्निंग फेज। यस, इसको हम क्या कर सकते हैं? एरे का साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना। जीरो साइज का एरे ले सकते हैं। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट हो गया आपका सक्सेसफुली, ठीक है। अगर मैं इस एरे की लेंथ देखूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना, मैंने एक्स की लेंथ निकाली, एक्स की लेंथ क्या प्रिंट होगी? एरे कितने लेंथ का है ये प्रिंट करना है सपोज, ठीक है। एक मिनट वेट, जावा टेस्ट एंटर किया, विल प्रिंट ए वैल्यू, विच वैल्यू? जीरो वैल्यू, है ना। आपका एरे कितने साइज का है? जीरो साइज का। अगर आप यहां पर सेवन ले लेते हैं तो आपकी लेंथ कितनी प्रिंट करेगा? प्रिंट कराया तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? सेवन। ये सेवन साइज का है। अगर आपको किसी एरे की लेंथ देखनी है तो आप क्या लिखोगे? एरे का नेम x डॉट लेंथ, लेंथ एक वेरिएबल है ये ना, जितना भी आपका लेंथ होगी उसको होल्ड करेगा, ठीक है। लेंथ, लेंथ एक वेरिएबल है आपका, प्री डिफाइंड वेरिएबल है ना। ये किस लिए काम आता है? आपकी किसी भी एरे की लेंथ को प्रिंट करने के लिए। क्लियर है?
तो आपने देखा एरे का साइज अगर हमने यहां नहीं दिया तो एरर है, ठीक है। जीरो दिया दे सकते हैं, है ना, कोई भी नंबर दे सकते हैं। क्या मैं यहां पर नेगेटिव में दे सकता हूँ? -5, एरे का साइज नेगेटिव में। बोलो, सबसे बढ़िया तरीका है एग्जीक्यूट करके सीख लो, ठीक है। जावा टेस्ट, इट विल जनरेट, कंपाइल टाइम, एरर। सॉरी, कंपाइल हो गया, ये क्या आया? आपका कंपाइल हो गया, कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं आई, इसने रन टाइम पे एरर दी। कौन सी एरर दी? नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन दी? रन टाइम पे, ठीक है। कौन सी एक्सेप्शन दी? ये देखो, नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन आएगी अगर आप नेगेटिव में साइज दो, ठीक है। कब आएगी? रन टाइम पे, नॉट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे नहीं आएगी, ठीक है, तो नेगेटिव हम साइज नहीं दे सकते। अच्छा, क्या मैं यहां पर कैरेक्टर दे सकता हूं? साइज कितना है? कैरेक्टर में साइज दे सकते हैं, यस या नो? देखो, रिप्लाई जरूर किया करो। ओके, कंपाइल टाइम एरर, ओके। चलो, मैं ये कह रहा हूं कि आप कैरेक्टर में दे सकते हैं, देन व्हाट वैल्यू विल बी प्रिंट हियर? क्या वैल्यू प्रिंट होगी आपकी? एक्स डॉट लेंथ, एक्स की लेंथ कितनी होगी? लेट्स चेक, सभी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। यस या नो में तो आंसर देना है तुम्हें, पता तो वैसे भी नहीं तुम्हें कुछ। मैंने लिखा जावा टेस्ट 97, क्या प्रिंट हुआ? 97, यानी कि ए की जो एस्काई वैल्यू है, यूनिकोड वैल्यू है, ए की जो यूनिकोड वैल्यू है आपकी कितनी है? 97, है ना। तो एरे आपका कितना हुआ है? 97 का क्रिएट, समझ रहे? ये कितने साइज क्रिएट हुआ? 97। तो एक्स की जो लेंथ आई 97 है। अगर मैं यहां कैपिटल ए लूं, बताइए क्या आउटपुट आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिकोड वैल्यू ऑफ कैपिटल ए? ये बता चुका मैं पहले, जब कैरेक्टर डेटा टाइप पढ़ा है उस टाइम एंटर किया 65, है ना, मतलब रिवाइज नहीं किया। कोई बात नहीं, आपको नोट्स दे दूंगा मैं, ठीक है। ये सारे वीडियो लिंक दे दूंगा, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उस वेबसाइट पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलने वाला है जल्दी, और उस लॉगिन पे आपको सारी वीडियोस और नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। आपके असाइनमेंट्स जो भी है, वीकली असाइनमेंट मिलेगा आपको, कुछ प्रोग्राम की लिस्ट मिलेगी, वो साइट पे मिलेगी, आप लॉगिन करना, वहां से उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उस पर थोड़ा भी काम चल रहा है, मेंटेनेंस में साइट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या असाइन कर सकता हूं? यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या असाइन कर सकता हूं? कोई बताएगा? यहां पर जो मैक्सिमम एरे ले सकता हूं, 21 47 48 36 47 36 47, ये नंबर आपने पहले कहीं सुना है? क्या है ये नंबर? सुना है ये नंबर? हाँ, ये क्या? नो सर, ये सुना है, मैंने पढ़ाया था तुम्हें, है ना। ये इंटीजर की रेंज है, इंटीजर की रेंज बताई थी मैंने, इंटीजर की रेंज कितनी होती है? -21 47 48 36 47 48 से ले गए प्लस के 21 47 48 36 47 तक होती है, ठीक है। ये आपका 10 डिजिट्स का नंबर है, इसको डायल मत कर देना मोबाइल में, कभी कहो मेरे उसमें तब कॉलर ट्यून लग गई, ठीक है, डोंट ट्राई।
चलो नेक्स्ट देखते हैं इसको, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा बताओ, मैंने बताया अभी देखते हैं इसमें, चलो उसे टेस्ट करते हैं एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। ये भी इंटरेस्टिंग है, देखो एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपके कंप्यूटर के अंदर इतना स्पेस अवेलेबल है ना। सॉरी अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, देखो क्या वैल्यू प्रिंट होगी। अब देखो ये कंपाइल तो हो गया सक्सेसफुली, अब एरर देखो क्या आई, जावा डॉट आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन। इसका मतलब हुआ कि मेरे कंप्यूटर के अंदर इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, समझ रहे, कंपाइल तो कर दिया था ना सक्सेसफुली, लेकिन जब मैंने इसको रन कराया तो इतना स्पेस इसने एलोकेट नहीं कर, समझ रहे, मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे कंप्यूटर आज ये इसकी रैम, जो मेरे कंप्यूटर की रैम है, अगर यह 32 GB होती तो शायद इतना स्पेस एलोकेट हो सकता है, लेकिन अगर 32 GB के अंदर इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है तब यह एरर आएगी, कौन सी, जावा डॉट लैंग आउट ऑफ मेमोरी एरर। कौन सी, आउट ऑफ मेमोरी एरर। इस एरर को हम कैसे दूर करेंगे, कोई सोल्यूशन है आप लोगों के पास, व्हाट इज द सोल्यूशन, हाउ टू रिमूव दिस एक्सेप्शन, आउट ऑफ मेमोरी एरर, इसको कैसे दूर करेंगे, कोई सोल्यूशन है आपके पास? यस, कोई भी बताए, इट्स अ जनरल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यस, इसका तरीका है, आप अपने कंप्यूटर की रैम बढ़ा लो, ठीक है, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आपकी, ये एरर नहीं आएगी आपकी, कौन सी, आउट ऑफ मेमोरी एरर, क्लियर है। तो इस मेमोरी को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास, अपने कंप्यूटर का हार्डवेयर यानी कि रैम इंक्रीज करो, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है, अवेलेबल होगी तो ये प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आपके स्पेस कंप्यूटर के अंदर इतना स्पेस अवेलेबल है, कितना, जो मैंने अभी रेंज में दिया 21, 47, 48, 36, 47, ये वाला अगर स्पेस आपके इसमें अवेलेबल है तो तब यह आपको एलोकेट होगा, लेकिन आप इससे ज्यादा भी नहीं दे सकते। यहां पर मैंने दे दिया सपोज 50, ठीक है, जब वो नहीं है तो ये कहां से आ जाएगा, ठीक है, ट्राई करते हैं, इसने दे दी, देखो एरर से ही समझ लो, इंटीजर नंबर टू लार्ज, यानी कि इतना बड़ा नंबर नहीं दे सकते, इसने कंपाइल टाइम एरर दे दी, उसने रन टाइम एरर दी थी, यहां पर ये कौन सी टाइम आई थी, रन टाइम, जब आपने रन टाइम का कैसे पता, जब आप एक कमांड लिखते हो जावा टेस्ट, यानी कि आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो, और जावा सी टेस्ट डॉट जावा लिखते हो तो इसका मतलब आप कंपाइल कर रहे हो, तो आपकी कंपाइल टाइम एरर जनरेट हुई, यानी कि इससे बड़ा नंबर 21, 47, 48, 36, 47 से बड़ा नंबर आप दे नहीं सकते, ठीक है, इट्स अ मैक्सिमम, चाहे स्पेस अवेलेबल हो या ना हो। बोलो इंपॉर्टेंट है या नहीं तुम्हारा, ओके गुड, एनी डाउट, चलो अब थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करते हैं, इसी में आगे यहां पर डिस्कस करते हैं। क्या अब है मल्टीपल डायमेंशन एरे कैसे क्रिएट करें, कौन सा, मल्टी डायमेंशन, आपका जो भी मल्टी डायमेंशन है, डायमेंशन उसको कैसे क्रिएट करेंगे, मल्टी डायमेंशन एरे क्रिएशन, मल्टी डायमेंशन को कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने लिखा इंट मल्टी डायमेंशन, मैंने टू डायमेंशन लिया है, कह रहे ए इज इक्वल टू न्यू इंट टू और ये, क्या मैं ये फिर इस फील्ड को खाली छोड़ सकता हूं, बोलो, थोड़ा ध्यान से, मल्टी डायमेंशन एरे जो सी और सी प्लस प्लस में पढ़ा, और जो मल्टी डायमेंशन एरे आप जावा में पढ़ोगे, इट्स अ टोटली डिफरेंट,
ठीक है जी, देखो डिफरेंट कैसे है, इस पॉइंट को पहले समझते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास एक एरे है, आपने सी में डिक्लेयर किया। सी में कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट सपोज इंट एक्स आपने डिक्लेयर किया 3 by 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 3 by 3 का एक एरे बनेगा इस तरीके से, 1, 2, 1 and 2। ये कितने बाय कितने का एरे है आपका, 3 by 3 का एरे है सपोज। ठीक है, इसके अंदर आपने एलिमेंट रखा, सपोज यहां पर एक एलिमेंट रख दिया, यहां पर एक एलिमेंट रख दिया। ठीक है, यहां पर एक एलिमेंट रख दिया, नेक्स्ट रो में सिर्फ आपने यहां पर एलिमेंट रखा, और उसे जो नेक्स्ट लोकेशन थी उसमें सिर्फ यहां पर और यहां पर एलिमेंट। तो आपने इस अप्रोच में जो एरे ऐसे क्रिएट है ना, तो इस अप्रोच में क्या था कि आपके एक तो स्पेस ये और एक स्पेस ये और एक स्पेस ये वेस्टेज है। ठीक है, तो आपका आपने 9 स्पेस रिजर्व करे और 9 में से सिर्फ 6 स्पेस यूज करे और 3 जो स्पेस थे ये वेस्टेज है। ठीक है, ये वेस्टेज है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। ये यूज करते हैं, ये अप्रोच यूज करते हैं सी एंड सी प्लस प्लस में, जो आपकी सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसके अंदर उसको यूज इस अप्रोच। ठीक है जी, अब इस अप्रोच को यूज जो हम कर रहे हैं, अब हमें एक ऐसी अप्रोच चाहिए कि मैं एक ऐसा एरे क्रिएट कर सकूं इस तरीके से। रो पे मुझे कितने चाहिए, 3 एलिमेंट, आपको 3 मिल गए। नेक्स्ट रो पे कितना चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट, 1। नेक्स्ट उससे रो पे कितने चाहिए मेरे को, 2 एलिमेंट। इस तरह की अप्रोच, इस तरह का एरे चाहिए है ना, इस तरह का। तो इसमें आपका जितना आपको स्पेस चाहिए उतना चल रहे। ठीक है, तो ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ जावा में पॉसिबल है ना। तो इसको करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मल्टी डायमेंशन एरे जावा में कैसे करते हैं। अच्छा, एक और यहां पर इसको जैगेड एरे भी बोलते हैं। कौन सा, जैगेड, जैगेड एरे इस तरह से। ठीक है, जिस जहां जहां जिस रो में जितने एलिमेंट चाहिए थे उतना एरे क्रिएट हुआ, अदरवाइज क्रिएट नहीं। तो आपकी ये फर्स्ट अप्रोच है, ये आपकी सेकंड अप्रोच है। विच वन इज बेटर, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, कौन सी बढ़िया आपकी अप्रोच? सेकंड अप्रोच ठीक है, फर्स्ट है? यस, रिप्लाई सेकंड है ना। तो हमारी जो सेकंड अप्रोच है ये आपकी बेटर अप्रोच है, समझ रहे? तो इस तरह का एरे हम कैसे क्रिएट करें, ठीक है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपने लिखा 2 और ये स्पेस छोड़ दिया खाली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके 2 स्पेस रिजर्व हो गए। ठीक है, 2 स्पेस रिजर्व हो गया। इसका इसकी जो इंडेक्स है 0 है, इसकी इंडेक्स 1 है, और ये एरे जो बना आपका छोटा सा जिसके अंदर 2 स्पेस हुए, ये किसको दे दिए, ए को। ये किसको दे दिया तुमने, ए को। यहां तक इस लाइन से ये जो लाइन सिर्फ ये क्रिएट हुआ जो मैंने लिखा, सिंपल, अगर आपने यहां पर स्पेस स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सपोज नेक्स्ट लाइन में यहां पर लिखा ए 0 पर मैंने एक एरे क्रिएट किया न्यू है ना, इंट साइज 3। इस लाइन से क्या हुआ, अब इसे देखते हैं। ये क्या है, मैंने बताया था न्यू, जब भी ये लाइन मिलेगी आपको इसका मतलब है एरे क्रिएशन, एक एरे क्रिएट हुआ कितने साइज का, 3 साइज का। आपकी इस लाइन से क्या हुआ, यहां तक की लाइन से एक एरे क्रिएट हुआ 3 साइज का।
दिस इज द एरे ऑफ साइज 3। स्टार्टिंग इंडेक्स 0, 1, 2, है ना। ये जो एरे क्रिएट हुआ किसको दे दिया, ए 0 को, ए 0 यानी कि इसको दे दिया, तो ये एरे इसको पॉइंट कर रहा है इस लाइन से, ठीक है। नेक्स्ट आपने एक लाइन लिखी ए 1 पर, ए 1 पर एक एरे और लिया न्यू इंट, साइज ले लिया इसका 2, तब क्या होगा, इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से एक एरे और क्रिएट हुआ, ये एरे क्रिएट हुआ कितने साइज का, 2 साइज का, ठीक है। इसकी इंडेक्स 0 और 1, ठीक है। किसको दे दिया ये एरे क्रिएट करके, ए 1 को, ए 1 यानी कि इस लोकेशन, ये लोकेशन इसको पॉइंट, ए के पास क्या है, मैं अगर पूछूं ए के पास क्या है, ये कंप्लीट एरे है, ये पूरा का पूरा किसके पास है, ए के पास है। मैं पूछ रहा हूं एरे किसके पास है, ये वाला एरे, आई विल चेंज द कलर ऑफ दिस पैन, एक मिनट, हाँ ये जो एरे, ये जो एरे है किसके पास है, ये ये एरे किसके, बोलो आंसर प्लीज, ये किसके पास है, ए 1 के पास, ये किसके पास है, ए 1 के पास है, और ये सारा का सारा एरे किसके पास है, ये ए के पास है। बोलो ये पॉइंट समझ में आया नहीं, या रिपीट करूं, बोलो, ठीक है। तो ये वो आपका टू डायमेंशन है, ठीक है, कौन सा एरे हुआ, टू डायमेंशन। यहां पर टू डायमेंशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वन डायमेंशन और ये आपकी टू डायमेंशन, ये सारा एक अलग डायमेंशन है, ये वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, ठीक है। रिपीट कर दो, देखो दोबारा देखो, इट इज ऑल, ठीक है। सबसे पहले लाइन की बात करते हैं, ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है, इसको डिस्कस करते हैं। इस लाइन का मतलब हुआ आपने क्रिएट किया ऑफ साइज 2, है ना, 2 से पता लगा 2 साइज का एक एरे क्रिएट करना है, आगे का पता नहीं क्योंकि आगे आपने फाइंड नहीं किया, ठीक है। तो आपने एक एरे क्रिएट किया 2 साइज का, इसकी इंडेक्स ये 0 और ये इंडेक्स 1, ये किसको दे दिया एरे, ये एरे किसको दिया क्रिएट करके, ए को, ये एरे दे दिया आपने, तो ए के पास ये एरे है। अब आपने यहां इसके आगे एक और एरे लिया, एक क्रिएट किया 3 साइज का, एक 3 साइज का एरे क्रिएट, सॉरी वन टू 3, 0, 1, 2, ये एरे क्रिएट किया, किसको दे दिया ये एरे क्रिएट करके, ए 0, इट विल असाइन टू द ए 0, ये जो लोकेशन है इस लोकेशन को बोलते हैं ए 0, ये लोकेशन कौन सी है, ए 0, ठीक है, ये हमारी लोकेशन ए 0, इस ए 0 को ये हमने असाइन कर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आए, न्यू इंट, 2 साइज का एरे क्रिएट, तो 2 साइज का, ठीक है, ये एरे किसको दे दिया मैंने, ए 1, ए 1 कौन सी लोकेशन है आपकी, दिस वन, ये आपकी ए 1 लोकेशन है, मैंने इसको साइन कर दिया, ठीक है, ए 1 के पास ये है, इसकी जो इंडेक्स है 0 और 1, ठीक है, ऐसे क्रिएट, बोलो समझ में आ रही है, ठीक है जी, ओके। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक चीज और, सपोज मैंने एक एरे और क्रिएट किया, टाइम मैंने एरे क्रिएट किया, सपोज
एक एग्जांपल और समझा देता हूँ तुम्हें, जिससे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। इंट टू डायमेंशन एरे लिया, ए इज इक्वल टू न्यू, मैंने लिखा इंट टू, यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया थ्री या थ्री कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? आपको सबसे पहले जो आपको फोकस करना है, पहले वाले पे फोकस करना, यहां से इस पे फोकस करना, यानी कि पहले आप दो बनाओ। ये मैंने दो दिए, ये दो दिए, जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स, ये किसको दे दिया मैंने? ए को। इसके साइन दिया, ठीक है। अब मेरा जो मेन आगे का जो प्रोसेस है उसमें देखो थोड़ा ध्यान से, ये जो थ्री है ये क्या डिनोट कर रहा है? आपको थ्री के कितने बनाने हैं? दो। दो थ्री के कितने लेने हैं? दो, समझ रहे? ये इंडिकेट कर रहा है थ्री थ्री के दो लेने हैं मेरे को, दो सेट, तो थ्री के दो सेट बनाऊंगा, ठीक है। ये ले वन, एक ले लिया थ्री का, एक और थ्री बनाया, ठीक ये, ठीक है। जो ये वाला है फर्स्ट वाला, ये दे दिया इसको, और ये दे दिया इसको, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये इसकी इंडेक्स क्या है, जीरो वन टू, इसकी भी इंडेक्स क्या है, जीरो वन टू, है ना। अब यहां पर वैल्यू क्या पड़ी हुई है? बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? यहां पर जीरो, यहां पर भी जीरो है, बाय डिफॉल्ट यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी। तो यहां पर क्या है? यहां पर इस पोजीशन पे कोई बताएगा यहां पर क्या है? इस बॉक्स में, इस बॉक्स के अंदर क्या है? और ए के अंदर क्या है? आप लिख रहे हो ए के अंदर, ए है, ए के पास है सारा, ए के पास ये है। तो ए के पास, सुनो आप थोड़ा ध्यान से, ये बिल्कुल माइनर सी चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए आपको। अब ए के पास क्या है? इस एरे की फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस है। ये एड्रेस है सपोज इसका 1000, ठीक है। कितना एड्रेस है इसका? ये 1000 है, तो इसके पास है 1000, ठीक है। अब यहां पर क्या है? यहां पर इसका फर्स्ट एड्रेस है, सपोज इसका एड्रेस क्या है? सपोज 2000, ये कितना है? 2000। तो 2000 कहाँ है आपका? यहाँ, ठीक है। मेरा एड्रेस तुम्हारे पास, तुम्हारा एड्रेस किसी और के पास, इस तरह। इस यहां पर इस लोकेशन पे क्या है? इस लोकेशन पे क्या है? इस लोकेशन पे इसका एड्रेस है फर्स्ट लोकेशन का, सपोज इसका एड्रेस है फर्स्ट लोकेशन का 3000, तो यहाँ पर ये 3000 है, तो यहाँ पर 3000 है, ठीक है। लेकिन ये आपको मैंने इंटरनली चीज बताई, लेकिन हमारी जो पाइथन जावा है यहाँ पर पॉइंटर नहीं है कि भी आप इसका एड्रेस प्रिंट करा के देखो, प्रिंट नहीं होगा, है ना। जेवीएम क्या करता है, आपको राइट्स नहीं देता किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की एड्रेस की, एड्रेस शो करने का, जावा में पॉसिबल नहीं, आप एड्रेस नहीं प्रिंट करा सकते, ठीक है। लेकिन सी और सी प्लस प्लस में एड्रेस पॉसिबल है, आप मेमोरी लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हो किसमें? सी और सी प्लस प्लस में। इसलिए कहते हैं कि आपकी जो सी प्रोग्रामिंग है डायरेक्टली इंटरेक्ट विद हार्डवेयर, तो जो हमारी जावा है ये हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती, क्लियर है। तो ये मीनिंग है इसका, यानी कि तीन बनाने हैं दो दो के, तीन बनाए दो दो के, क्लियर है या नहीं? नहीं क्लियर तो मैं आगे इसे दोबारा रिपीट करूं, अभी आगे चलता हूं। यस जी, एक मैं बड़ा एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा देखना ध्यान से, ठीक है। अब मैं थ्री डायमेंशन लेता हूं, उसको समझते हैं, देखो कितना क्लियरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में। मैंने एक एरे लिया इंट, ये है ना, सब इसका नाम ले लिया, सपोज एक एरे लिया, ए इज इक्वल टू न्यू इंट, तीन का बनाया,
है ना, और यहां पर साइज स्पेसिफाई कर दिया टू। ये लाइन लिखी, इससे क्या होगा, एक एरे होगा टू साइज का, जीरो और वन। इस एरे का नाम क्या है, ए। जीरो और वन। मैंने क्या लिखा, ए जीरो पे मैंने रख दिया न्यू एंड थ्री और ब्लैंक। इसका क्या मतलब है, इसे समझो, आपने क्या किया, एक बनाया किसी साइज का, आगे का भी पता नहीं कितना बनाएगा, है ना, थ्री साइज का बनाया और किसको दे दिया, ए जीरो को। एक थ्री साइज का बनाओ, थ्री साइज का बनाया, ठीक है, इसके इंडेक्स जीरो वन, एरे की इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद जीरो, दे दिया मैंने ए जीरो को। ए जीरो कौन सा है, ये लोकेशन क्या है आपकी, ये लोकेशन आपकी ए जीरो, ये वाली लोकेशन, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन जो लिखी, मैंने लिखा ए जीरो, जीरो पे मैंने डाल दिया क्या, न्यू न्यू इंट वन। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक वन बना, एक वन बना, एक वन बनाओ, एक वन बनाओ, ये वन बनाया, इसकी इंडेक्स जीरो, किसको दे दिया मैंने, ए जीरो जीरो को। तो ए जीरो जीरो कौन सा है, ए जीरो जीरो कौन सा पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है, अब देखो इसे थोड़ा ध्यान से, ए जीरो जीरो जो लोकेशन है आपकी वो है ए, यहां से चलो ए जीरो जीरो, यानी कि ये लोकेशन, इस लोकेशन को क्या दे दिया, जो नया एरे बनाया आपने, ये वाला बनाया, किसको दे दिया, ए जीरो जीरो, ए जीरो जीरो को कौन सा दे दिया आपने, ये एरे, ये इसको पॉइंट करने वाला, सर क्रिएट टाइम न्यू क्या यूज होगा, समझा नहीं आदित्य क्या कहना चाह रही हूँ। जब भी एक न्यू एरे क्रिएट करोगे ना तो आपको न्यू कीवर्ड का यूज करना है, अगर आप एक एरे क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट होगी, और कितनी मेमोरी एलोकेट होगी वो यहाँ से पता लगेगा, जो भी तुमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज स्पेसिफाई किया है ना, इस साइज से स्पेसिफाई, इससे पता लगेगा, क्लियर है, कुछ पूछना चाह रहे हो, ओके। नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, ए जीरो वन लोकेशन पे, जीरो वन लोकेशन पे एक एरे क्रिएट किया न्यू एंड ऑफ साइज टू, इससे क्या होगा, एक नया एरे बनेगा टू साइज का, एक एरे बनेगा आपका टू साइज का, टू साइज का एरे बनाओ, टू साइज का एरे बना, जीरो वन, किसको दिया ये एरे जो बना, ये एरे मैंने बनाया टू साइज का, किसको दिया, जीरो ए जीरो वन को, ए जीरो वन, ए जीरो वन, मतलब यानी कि इस लोकेशन, ये कौन सी लोकेशन है, ए जीरो वन, ये वन है ना यहाँ पर, ये लोकेशन, इसको हमने ये साइन कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट मैंने एक फील्ड लाइन लिखी, सपोज मैंने लिखा इस बार ए जीरो टू को मैंने एक एरे दिया न्यू इंट थ्री साइज का, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक एरे और क्रिएट होगा थ्री साइज का, सबसे पहले यह एरे क्रिएट होगा थ्री साइज का, ठीक है, आपने एक एरे क्रिएट किया सपोज ये थ्री साइज का,
है, इंडेक्स 0, 1, 2, ये किसको दे दिया मैंने, ए 0, 2 को, ए 0, 2 इसको असाइन कर दिया। क्लियर है, बोलो इतना पॉइंट समझ में आया। यस या नो? गुड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है? देखो कैसे क्रिएट करेंगे इसको समझते हैं पहले। इसका मतलब क्या है, पहले आपने एक क्रिएट, दो साइज का, यहां तक दो साइज का क्रिएट करो। मैंने दो साइज का क्रिएट किया सपोज, ठीक है, अब दो बनाने हैं दो दो के, समझ रहे, दो बनाने हैं दो दो के, तो आप दो और बनाओ, वन बना दिया दो दो, ठीक है, किसको दिए हैं? हाँ सुनो, अभी ये दो बनाए दो दो के, एक तो दे दिया इसको, एक दे दिया, और ये जो सारा, ये जो सारा बना से यहां तक ये जो मैंने बनाया, ये किसको दे दिया? ये दे दिया A1, मतलब ये वाले लोग इसको दे दिया। और इस तरह से आपका एक एरे क्रिएट होगा, ये रिप्रेजेंटेशन होगा कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है, ये मतलब ऐसे क्रिएट होता है जावा में एरे, दैट इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया है पॉइंट सारे? बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जहाँ, ठीक है। देखो बाबू, कहीं भी डाउट हो ना तुरंत पूछो मुझसे, कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। तो ये प्रोसीजर है आपका क्रिएट करना, समझ रहे? आप देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर इस लोकेशन पे क्या है, बाय डिफॉल्ट 0, यहां पर भी क्या है 0, यहां पर भी 0, जो सबसे नीचे की एरे होता है, यानी कि ये वाला सारा एरे, इन एरे के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, कोई पूछ ले एरे के एलिमेंट्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। चलो इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, मैंने इसको कट किया, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इस लाइन को हटा देता हूँ मैं, ये आपके करे हैं, आपने कह रहे लिया, ठीक है, या आपने एरे देख लिया कैसे क्रिएट किया, ठीक है। अब मैंने प्रिंट कराया, सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, मैंने प्रिंट कराया ए, आउटपुट बताओ क्या आएगा, और मैंने प्रिंट कराया कॉपी ए ए 0, और मैंने प्रिंट कराया ए 0, 0, एक मिनट एक फोन आ रहा है, ठीक है, तो मुझे आउटपुट बताओ क्या आएगा इन लाइनों से, ये तीन स्टेटमेंट प्रिंट होंगे आपके,
क्या वैल्यू प्रिंट होगी? सबसे पहले ए, आप एरे ए को प्रिंट करा रहे हो, ए आपका कितने डायमेंशन आ रहे हैं? टू डायमेंशन आ रहे हैं, है ना? किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है, समझ रहे? आप यहां पर हो फिलहाल, किस पोजीशन पे हो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक नेटवर्क पैन चेंज करता हूं। आप फिलहाल जो हो इस पोजीशन पे हो फिलहाल, यहां पर ये आपकी पोजीशन है एग्जैक्ट, तो आप यहां पर खड़े हो गए, ए प्रिंट करा रहे हो। ए आप चेक करो कि ए क्या है, ए हमारा थ्री डायमेंशन।